CUT UG 2024 से इस साल बहुत सारे चेंजेस किए गए और जिस चेंज का बच्चे इंतजार कर रहे थे वही चीज NTA ने चेंज नहीं करी। बच्चे ने इंतजार था कि भैया रेशलाइज सिलेबस आएगा, नई NCERT वाला हमारा सिलेबस आने वाला है, पर यहां पे NTA ने सारे जज्बात ही बदल दिए हैं। अगर आप नए वाले पोर्टल पे जाओगे, जो कि हमारा पोर्टल क्या है, पोर्टल ये है हमारा exam.nta.ac.in CUT UG, इस पे आप जाओगे, ये पेज आपके सामने खुलेगा और यहां पर आपको नजर आ जाएगा आपका सिलेबस वाला पार्ट जो है अपडेटेड हो चुका है। तो आइए सिलेबस वाले पार्ट को देख लेते हैं और यहां पर जिस भी सिलेबस में आप जाके देखेंगे हमको पुराना वाला सिलेबस नजर आ रहा है, मतलब जो पिछले साल NTA ने आपसे पूछा है वही वो इस साल पूछने वाला है। नई NCERT के हिसाब से रेशनलाइज सिलेबस आपका नहीं होगा। वीडियोज आ रही थी सिलेबस रिड्यूस हो गया, 50% रिड्यूस हो गया, 40% रिड्यूस हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, तो जो आपकी पुरानी NCERT थी वही आपकी आने वाली है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कुछ चैप्टर्स आपके एड ऑन हुए होंगे, ऐसा ही आपका इकोनॉमिक्स में हुआ है, ऐसा ही आपका अकाउंटेंसी में हुआ है, लीगल स्टडीज में ये ऐसा हुआ है। मतलब कहने का ये है NCERT जो पिछली वाली थी उसमें जो चैप्टर्स थे वही आपके आ रहे हैं। बिल्कुल सारी चीज क्लियर कर दी, अब आपके पास ना पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं बचा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या कीजिए, ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। और पहले ही इस बात का अंदेशा था तो हायर एजुकेशन ने पहले ही आपके लिए जो अब सिलेबस है इनकी पहले ही बुक्स बना के रखवा रखी थी। हमने पहले भी आपको दिखाया आपको सब्जेक्ट वाइज आप क्या कर सकते हैं, ये यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। जो सिलेबस हमारा NTA ने बनाया है वो सारा कुछ यहां पर आपको मिलेगा इन बुक्स में। तो तैयारी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जिस कोर्स जिस यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और सिलेबस वाले पार्ट की तो भैया मैं बात बता दूं आपको, जो आपने इस साल नई NCERT में पढ़ा है आपको और भी पढ़ना होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हायर एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।